तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में राहुल की सभा से पहले लगाए गए झंडे और फ्लैक्सी के हटाए जाने पर विरोध जताया गया है। साथ ही कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि टीआरएस ने इसे अपनी मनमानी से हटाया है। दरअसल राहुल गांधी की सभा से पहले लगाए गए झंडे और कट आउट को जीएचएमसी द्वारा निकाल दिया गया। साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि संगारेड्डी में सभा को आयोजित किया जाएगा और सभा सुबह से शाम तक चलेगी। इससे पहले लगाए गए झंडे 80% तक निकाल दिए गए हैं। आइए सुनते हैं कि कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। నేటి సమావేశానికి ముఖ్య అతిథి చేసిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు, జాతీయ కాంగ్రెస్ యూత్ కాంగ్రెస్ ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీనివాస్ గారు, హరీష్ గారు, మిగతా మా తోటి స్నేహితులు. చాలా దారుణమైన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు కల్ జో ఐతిహాసిక్ ప్రోగ్రామ్ హోనే వాలా హై తెలంగాణమే సంగారెడ్డిమే ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ పార్టీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ రాహుల్ జీ ఆ రే में पूरा तेलंगाना लोग दिल से उनको स्वागत करने के लिए पूरा तेलंगाना लोग संगारेड्डी पोर्ट पे स्टार्टिंग से एयरपोर्ट से मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, कोई पार्टी का बड़ा नेता भी नहीं आ सकता है क्या? ये केसीआर ने इसको डेमोक्रेसी नहीं है क्या? इधर क्या चल रहा है मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। एक झंडा भी नहीं छोड़ रहा है, सुबह से रात में पूरा युवा कांग्रेस लोग वहाँ से यहाँ तक लगाया, कम से कम 80% जो भी हमने लगाया था 3 से 4 हज़ार झंडा ये लोग ने निकाल दिया। इन लोग का पॉलिटिक्स प्रोग्राम आपसे बिगाड़ नहीं सकते है। कांग्रेस पार्टी और पूरा तेलंगाना प्रदेश का जनता कांग्रेस पार्टी सोनिया जी राहुल जी के साथ है, प्रोग्राम सक्सेस होगा। आपके साथ कौन है एक वर्ग का लोग का बताइए ना, किसान है क्या आपके साथ? टीआरएस के साथ किसान है? नहीं है। स्टूडेंट्स है क्या? नहीं है। मजदूर है क्या? नहीं है। कौन है आपके साथ? कोई नहीं है। ये तुम परिवार का राजनीति चला रहे, आपको सीएम बना के पूरा प्रदेश को काम करने के लिए आपको पूरा लोग मिलके जो चुनाव के पहले इतने बड़े बड़े वादा किया था, आपको दिया मौका, बनने के बाद में फैमिली के अलावा आपके कुछ कोई और नज़र ही नहीं आ रहे। बेटा बेटी दामाद यही तो चल रहा है, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। 19 में कांग्रेस आएगा, कल जो प्रोग्राम है बहुत बढ़िया सक्सेस होगा, इसके लिए यूथ कांग्रेस हम लोग दिन भर रात काम करेंगे। फिर भी ये लोग हटाने का काम करें तो युवा कांग्रेस ने पिटाई करेगा इन लोग को, कोई झंडा भी हाथ लगाए तो युवा कांग्रेस सड़क में उतर के इनको